नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां सीखते हैं कंप्लीट एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन और उससे रिलेटेड कुछ चीजें। दोस्तों, आज मुझे ऐसे यूट्यूब पे मैं स्नैश कर रहा था तो मुझे एक वेबसाइट मिला easyphones.com। जी हाँ, easyphones.com। मैंने इस वेबसाइट को लॉगिन किया। सबसे पहले तो लॉगिन करते समय हम चेक करते हैं इसका कनेक्शन। तो कनेक्शन इज सिक्योर, मतलब कि इसने एसएलसी साइट सिक्योरिटी लेवल को पास आउट किया हुआ है। सो सिक्योरिटी इसकी सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इसका वैलिड है। सबसे पहले ये देखिएगा जरूर। दूसरी चीज, यहाँ पे हमने जिस टैबलेट पे किया तो हमें यहाँ पे टैबलेट मिल रहा है जैसे कार्बन 6+64, वो भी 4000 रुपये में। जी हाँ, 6GB+64GB कैमरा, 13 MP 8 MP 4G वॉइस कॉलिंग टैबलेट एंड वाईफाई कॉलिंग भी इसमें दिया गया है। कितने में? मात्र 4000 रुपीज। कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी सुनी थी, मेरे दोस्त ने मुझे बोली थी। उसने ऐसी किसी साइट से, इसने इजी फोन से नहीं बट ऐसी किसी साइट से उन्होंने परचेज किया और सिक्योरिटी के तौर पर उसने COD डाल दिया, कैश ऑन डिलीवरी डाल दिया, पैसे पेमेंट नहीं किया। उसके बाद बहुत अच्छे से पैकिंग में डब्बा आया। अब क्या हुआ कि कोरियर ने बोला कि भाई पैकेट खोलोगे तो मैं रिटर्न नहीं लूंगा, आप मुझे पैसा दीजिए उसके बाद पैकेट खोलिए। ये चीज क्लियर ही लिखा हुआ था कि उस पे मेंशन किया हुआ था डिड नॉट डिलीवर आफ्टर द ओपन, कि ओपन बैग रिटर्न नहीं होगा इसलिए सेल ही होना चाहिए। और बहुत अच्छी पैकिंग थी। जब इसने उसको खोली तो उसमें कजरिया का एक टाइल्स मिला छोटा सा, बड़ी हंसी आई और उसकी जो है तकरीबन 3500 रुपये चले गए। ऐसे एक दो केस और आए जिसमें किसी ने शंकर भगवान की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति निकली फोन के जगह। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मैं कभी इसको बात नहीं करा कि इसने easyphones.com से ही लिया था या कुछ ऐसा। लेकिन एक शब्द यहाँ लिखता है कि किप्टॉन A1 टैबलेट को हम चलिए अमेजोन पे सर्च करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ जो है वो आपका easyphones.in ही बेच रहा होगा। तो हमने इसको सर्च किया, यहां देखिए यूज दिस कीवर्ड, देयर इज नो रिजल्ट फाउंड ऑफ कार्बन A1 टैब 10 इंच। तो इतना रिप्यूटेड साइट अमेजोन, और मैं डेविड को दूंगा कि अमेजोन से फ्रॉड नहीं होते, अगर फ्रॉड होता भी है तो तुरंत पैसा रिटर्न हो जाता है। मेरे साथ एक बार हुआ था, इन्होंने एक पेन ड्राइव दी थी मेरी 32 GB की, बट वो निकली 2 GB की, बहुत पहले जब 32 GB काफी ज्यादा हुआ करता था। तो हमने रिटर्न किया और हमें पैसा तुरंत अकाउंट में। चलिए अब फ्लिपकार्ट, क्योंकि इंडियन को फ्लिपकार्ट बहुत ज्यादा पसंद है, तो फ्लिपकार्ट पे हम सर्च करते हैं कि क्या फ्लिपकार्ट की कोई सेलर इस टैब को बेच रहा है। बेच रहा है तो किस अमाउंट में? इसमें लेनोवो है, आईवॉल है, इसमें कहीं जगह पे किप्टॉन का यूज नहीं किया गया। जी हाँ, कहीं नहीं किप्टॉन है। तो क्या है सबके दायरे में नहीं लाता कि दो बड़ी बड़ी ऑनलाइन सेलिंग कंपनी इस प्रोडक्ट को नहीं बेच रही, कहीं नाम नहीं है। अब चलिए हम गूगल पे देखते हैं कि क्या है। गूगल के सर्चिंग कीवर्ड में तो मिल गया मुझे, कीवर्ड तो है, और यहाँ पे देखिए इजी फोन्स पे ही मिल रहा है। फ्लिपकार्ट पे देखिए इसने A1 टैब मिसिंग कर दिया हुआ है, इजी फोन्स ही प्रोवाइड कर रही है, अमेजोन पे है ही नहीं। यहाँ दिख रहा है क्रिप्टो नेम,
फ्लिपकार्ट पे इसने क्या हुआ है कि A1 टैब किप्टॉन तो है लेकिन A1 टैब हटाया हुआ है, नहीं इसमें तो रेडमी है ज़्यादा। सो इन गूगल भी हमें ढूंढ के नहीं दे पा रहा है कि आखिर किप्टॉन टैब है क्या। हाँ यहाँ पे मिल गया वीडियोकॉन, ओके एक जो है क्रिप्टॉन जो है वीडियोकॉन का पार्ट है और वीडियोकॉन बंद हो चुका है। जी हाँ क्योंकि मैंने खुद वीडियोकॉन पे फ्रीज ले रखा है तो फ्रीज की जो खराब हो गया तो मैं बोला कि वीडियोकॉन बंद हो चुका है इसलिए। अब मैं आप लोगों को डिसाइड करता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या इस easyphones.com से क्या मैं टैबलेट परचेज करूं या किसी को परचेज करने की सलाह दूं या नहीं, क्योंकि तो जिस ब्रांड की बात कर रहे हैं वो ब्रांड सिर्फ इसी साइट पे बिक रहा है, किसी और साइट पे नहीं बिक रहा है। दूसरी चीज, क्या ये सेफ, मुझे मेरा फोन मुझे सेफ पहुंचा देगा या कुछ और है। तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या इस पे टैबलेट परचेज करना सही रहे या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, क्योंकि तो मेरे हिसाब से ये सब के दायरे में है। जी हाँ ये वेबसाइट सब के दायरे में है मेरे हिसाब से, और इसका कोई भरोसा नहीं कि मुझे मेरा प्रोडक्ट देगा, सही सलामत प्रोडक्ट देगा या नहीं देगा। अगर देता भी है तो क्या अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आगे चल के कुछ करेगा, क्योंकि इसने दे रखा है 24/7 कॉल हेल्प सेंटर, बट इस पे वो क्लिक नहीं हो रहा। अगर कंपनी कॉन्टेक्ट अस पे जाते हैं तो यहाँ ये आगरा का एड्रेस दिया हुआ है, कोई फोन नंबर नहीं है, किसी तरह का फोन नंबर नहीं है, ईमेल आईडी तो है पर किसी तरह का कॉलिंग नंबर नहीं दिया हुआ है। एड्रेस भी दिया हुआ है लेकिन एड्रेस में भी कोई कॉलोनी नंबर नहीं, कोई बिल्डिंग नंबर नहीं, कोई रोड नंबर नहीं। तो एड्रेस भी अब इजी फोन सदर बाजार लगा कॉलोनी आगरा उत्तर प्रदेश, एड्रेस में हाउस नंबर होते हैं, फ्लोर नंबर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरी खुद की सोच है, मैं कि इस कंपनी इस साइट को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, इस साइट को मैं सबके घेरे में नहीं ला रहा, लेकिन मेरी खुद की सोच है क्योंकि इसमें ना कोई कॉलिंग नंबर्स दिए गए हैं ना कोई ईमेल, इसमें एड्रेस भी दिया गया है तो एड्रेस को भी कोई मैप इसमें नहीं है, कोई बिल्डिंग नंबर नहीं है, कोई हाउस नंबर नहीं है, मैप भी यहाँ पीछे शो हो रहा है तो मैप भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है, ऐसी मैप पिक्चर लेके डाला हुआ है, एड्रेस भी शक के दायरे में है, तो मुझे इस पे थोड़ा सा शक हो रहा है। फिर भी आप अपने विवेक से काम लें क्योंकि साइट सिक्योरिटी लेवल का पास आउट कर रखी है, तो एक ही पॉजिटिव चीज मुझे ध्यान पे दिखती है कि सिक्योरिटी लेवल को पास कर रखी है। अब बोलेंगे कि मैं शक क्यों किया, शक करने के की वजह है कि इतने सस्ते टैबलेट का होना, आप देख रहे हैं कि 4G के अंदर में आपको 4,000 रुपये में 4 GB प्लस 64 GB का रैम मिल रहा है और 10 इंच की स्क्रीन मिल रही है, 13 MP कैमरा मिल रही है। अगर इसी कॉम्बिनेशन का अगर मैं अपना फोन खरीदता हूँ रेडमी का या किसी और ब्रांड का तो कम से कम 12,000 की फोन होती है इसलिए। और ये ऑल्सो पेटीएम को ये प्रमोट करते हैं, 20% इसमें एडिशनल डिस्काउंट देते हैं अगर पेटीएम से अगर पे करते हैं तो, और पता ही है कि पेटीएम के लेके कितने फ्रॉड हुए हैं, पेटीएम ने नहीं किया लेकिन पेटीएम से कितने फ्रॉड हुए। सात हजार की एमएच बैटरी दे रही है,
ओके तो आप लोग मुझे सर्च कीजिए. थैंक यू.